जन्म से पहले और मरने के बाद हमारी आत्मा कहाँ रहती है? वैदिक ग्रंथ के अनुसार आत्मा पांच तरह के कोष में रहती है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इन्हीं कोषों में रहकर आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो मुख्य तौर पर उसकी तीन तरह की गतियाँ होती हैं, ऊर्ध्वगति, स्थिर गति और अधोगति। इसे ही अगति और गति में विभाजित किया गया है। ऊर्ध्वगति के अंतर्गत व्यक्ति ऊपर के लोक की यात्रा करता है। ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जिसने जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में खुद को साक्षी भाव में रखा है या निरंतर भगवान की भक्ति की है। ऐसे व्यक्ति पितृ या देव योनि के सुख भोगकर पुनः धरती पर जन्म लेता है। स्थिर गति का अर्थ है व्यक्ति मरने के बाद ना ऊपर के लोक गया ना नीचे के लोक में, अर्थात उसे यहीं तुरंत ही जन्म लेना होगा। यह जन्म उसका मनुष्य योनि का ही होगा। अधोगति में जिस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार का पाप करके या नशा करके अपनी चेतना या होश के स्तर को नीचे गिरा लिया है, वह नीचे के लोकों की यात्रा करता है। रेंगने वाले कीड़े मकोड़े या गहरे जल में रहने वाले जीव जंतु अधोगति का ही परिणाम है। पुराणों के अनुसार जब कोई मनुष्य मरता है या आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे तीन प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये तीन मार्ग हैं, अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वही धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नर की यात्रा के लिए है। हालांकि सभी मार्ग से की गई आत्माओं को कुछ काल भिन्न भिन्न लोक में रहने के बाद पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है। अधिकतर आत्माओं को यही जन्म लेना और यहीं मरकर पुनः जन्म लेना होता है। यजुर्वेद में कहा गया है कि शरीर छोड़ने के पश्चात जिन्होंने तप ध्यान किया है वे ब्रह्मलोक चले जाते हैं, अर्थात ब्रह्मलीन हो जाते हैं। कुछ सत्कर्म करने वाले भक्तजन स्वर्ग चले जाते हैं, स्वर्ग अर्थात वे देव बन जाते हैं। राक्षसी कर्म करने वाले कुछ प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं और कुछ पुनः धरती पर जन्म ले लेते हैं। जन्म लेने वालों में भी जरूरी नहीं कि वे मनुष्य योनि में ही जन्म लें, इससे पूर्व वे सभी पितृलोक में रहते हैं, वही उनका न्याय होता है। आत्मा 17 दिन तक यात्रा करने के पश्चात 18वें दिन यमपुरी पहुँचती है। वरुण पुराण में यदि यमपुरी के इस रास्ते में वैतरणी नदी का उल्लेख मिलता है। वैतरणी नदी में विष्ठा और रक्त से भरी हुई है। जिसने गाय को दान किया है वह इस वैतरणी नदी को आसानी से पार कर यमलोक पहुंच जाता है, अन्यथा इस नदी में वे डूबते रहते हैं और यमदूत उन्हें निकालकर धक्का देते रहते हैं। यमपुरी पहुंचने के बाद आत्मा पुष्पोदका नामक एक रौर नदी के पास पहुंच जाती है जिसका जल स्वच्छ होता है और जिसमें कमल के फूल खिले रहते हैं। इसी नदी के किनारे छायादार बड़ का वृक्ष होता है जहाँ आत्मा थोड़ी देर विश्राम करती है। यहीं पर उसे उसके पुत्रों या परिजनों द्वारा दिए गए पुण्यदान और तर्पण का भोजन मिलता है जिससे उसमें पुनः शक्ति का संचार हो जाता है। यमलोक के चार द्वार हैं। चार मुख्य द्वारों में से दक्षिण के द्वार पर पापियों का प्रवेश होता है। यम नियम का पालन नहीं करने वाले निश्चित ही इस द्वार में प्रवेश करके कम से कम 100 वर्षों तक कष्ट झेलते हैं। पश्चिम का द्वार ऐसे जीवों का प्रवेश होता है जिन्होंने दान पुण्य किया हो, धन की रक्षा की हो और तीर्थों में प्राण त्यागे हों। उत्तर के द्वार में वही आत्मा प्रवेश करती है जिसने जीवन में माता पिता की खूब सेवा की हो, हमेशा सत्य बोलता रहा हो और हमेशा मन वचन क्रम में से अहिंसक हो। पूर्व के द्वार से उस आत्मा का प्रवेश होता है जो योगी, ऋषि, सिद्ध और संबुद्ध है। इसे स्वर्ग का द्वार कहते हैं। इस द्वार में प्रवेश करते ही आत्मा का गंधर्व, देव, अप्सराएं स्वागत करती हैं। माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसे सबसे पहले वह गहरी नींद की हालत में ऊपर उठने लगता है। जब आँखें खुलती हैं तो वह स्वयं की स्थिति को समझ नहीं पाता है। कुछ जो होशवान है वे समझ जाते हैं। मरने के 12 दिन के बाद यमलोक के लिए उसकी यात्रा शुरू होती है। वह हवा में स्वतः ही उठता जाता है। जहाँ रुकावट होती है वहीं उसे यमदूत नजर आते हैं जो उसे ऊपर की ओर गमन कराते हैं। आत्माओं के मरने की दिशा उसके कर्म और मरने की तिथि अनुसार तय होती है। जैसे कृष्ण पक्ष में देह छोड़ दी है तो उस काल में दक्षिण और उसके पास के द्वार खुले होते हैं, लेकिन यदि शुक्ल में देह छोड़ी है तो उत्तर और उसके आसपास के द्वार खुले होते हैं। लेकिन जब कोई नियम काम नहीं करता, जबकि व्यक्ति पाप से भरा हो, शुक्ल में मरकर भी वह दक्षिण दिशा में गमन करता है। इसके अलावा उत्तरायण और दक्षिणायण सबसे ज़्यादा महत्व होता है। उत्तरायण में मरने वाले 4 द्वारों, 7 तोरणों तथा पुष्पोदका, वैश्वस्ति आदि सुरम्य नदियों से पूर्ण अपनी पूरी में पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर के द्वार में प्रविष्ट होने वाले पुण्यात्मा को भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं जो शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी, चतुर्भुज, नीलांब रूप में अपने महाप्रसाद में रत्नासन पर दर्शन देते हैं। ऐसी शुभ आत्मा स्वर्ग का अनुभव करती है और उसे शांति व स्थिरता मिलती है। स्वर्ग में रहने के पश्चात वह किसी अच्छे समय में पुनः अच्छे कुल और स्थान में जन्म ले लेती है। दक्षिणायन में मरने वाले जो लोग पापी और अधर्मी हैं, जिन्होंने जीवन भर शराब, मांस और स्त्री गमन के अलावा कुछ नहीं किया, जिन्होंने धर्म का अपमान किया और जिन्होंने कभी भी
धर्म के लिए पुण्य का कोई कार्य नहीं किया, वे मरने के बाद स्वतः ही दक्षिण दिशा की ओर खींच लिए जाते हैं। ऐसे पापियों को सबसे पहले तप्त लोहद्वार तथा पूर्ण शोणित और कुपोषों से पूर्व द्रोणी नदी पार करना होता है। नदी पार करने के बाद दक्षिण द्वार से भीतर आने पर वे अत्यंत विस्तीर्ण सरोवरों के समान नेत्र वाले धूम्रवर्ण प्रलय मेघ के समान गर्जन करने वाले ज्वालामय रोमधारी बड़े तीक्ष्ण प्रज्वलित दंतयुक्त सनसी जैसे नाखन वाले चरण वस्त्रधारी कुटिल प्रकृति भक्त हम वेश यमराज को देखते हैं। वहाँ गोवर्धन पशु तथा यमदूत उपस्थित मिलते हैं। यमराज हमसे सदा शुभ कार्य की आशा करते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा नहीं कर पाता है तो भयानक दंड द्वारा जीव को शुद्ध करना ही इनके लोक का मुख्य कार्य है। ऐसी आत्मा को यमराज नरक में भेज देते हैं। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।